डकी भाई पे तो मुरु ने मीम ही बना दी. When your father is also a gamer. गेमिंग चेयर तो चेक कर पप्पू. Pivoting, swiveling, height adjustable, armrest, reclining, incredible. गेंडे वाला बर्गर. क्यों भाई? तुम किस चीज़ पे बैठते हो? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. यार आज हमने बड़े मज़े की टॉपिक पे एक बात करनी है, तो लेकिन उससे पहले ना मैंने जाना है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए. वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे, तो मैं वो करवा के आता हूँ. तो फिर ज़रा फुर्सत से बैठ के बात करते हैं. सेटअप टूर ऑफ टकी भाई एंड मुरु, तो उस पर बात होगी आज ज़रा डिटेल में. बड़े मज़े का सीन हुआ है कल, मैं आके बताता हूँ आपको क्या हुआ. अस्सलाम वालेकुम. तो मैं आ गया हूँ वहाँ से टेस्ट वगैरह करवा के. रिपोर्ट्स वगैरह रात को आएंगी 9-10 बजे. अम्मी ने कहा था करवा लो, तो मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी है. इस्लामाबाद मरी वाली साइड पे बारिशें हो रही हैं और यहाँ पे जनाब धूप निकली हुई है इतनी तेज़, क्या ही बात है. तो आज की जो वीडियो है ना, वो बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है. अ काइंड ऑफ अ रोस्ट, बट नॉट एक्चुअली अ रोस्ट. आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इस वीडियो को क्या कहना चाहिए. कल मैंने देखी है मुरु की वीडियो, उसमें ना उसने अपने ऑफिस का एक टूर करवाया और क्या आखिर पीसी बनाया उसने, और कीबोर्ड फुल शशका बना दिया बंदे ने. उसकी जो लास्ट वीडियो थी ना, उसमें उसने बता रहा था कि मैं गेमिंग वगैरह करता हूँ और ये मैंने दिल किया मेरा, तो मैंने अपना थोड़ा हल्का फुल्का सा पीसी पिछली वीडियो में उसने बनाया था. उस वीडियो के ऊपर ना डकी भाई ने ना ये कमेंट किया. तो अब इस कमेंट के ऊपर मुरु ने क्या उफ क्या रिप्लाई दिया है सर, मज़ा आ गया मुझे. तो मुरु का रिप्लाई चेक करो. ये मेरी बचपन की फेवरेट गेम है, बचपन में मैं इसमें बतखों का शिकार करता था. डकी जो कि मेरा भाई नहीं है, मेरी पिछली गेमिंग वीडियो के नीचे मेरी चेयर का मजाक उड़ा रहा था. गेमिंग चेयर तो चेक कर पप्पू. Pivoting, swiveling, height adjustable, armrest, reclining, incredible. गेंडे वाला बर्गर. क्यों भाई, तुम किस चीज़ पे बैठते हो? तो ये था मुरु का रिप्लाई. और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डकी भाई का कैसा सेटअप है. डकी भाई के सेटअप को मुरु के सेटअप के साथ ना कंपेयर करते हैं. डकी भाई ने लिखा हुआ था कि चेयर के बारे में लिखा हुआ था, उसका भी मुरु ने क्या रिप्लाई किया है वो तो आपने देखा ही है. मैं अब आपको दिखाता हूँ कि डकी भाई कौन सी चेयर यूज़ करते हैं. यहाँ पे ना होने के बराबर है. अब ये चेयर यूज़ करके भाई जो है वो मुरु को बातें सुना रहे हैं. खैर मैं तो भाई दोनों का ही फ़ैन हूँ, दोनों बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, हमें बहुत अम्यूज़ करते हैं. दोनों अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं. लेकिन भाई जान डकी भाई पे तो मुरु ने मीम ही बना दी. When your father is also a gamer. गेमिंग चेयर तो चेक कर पप्पू. Pivoting, swiveling, height adjustable, armrest, reclining, incredible, sexy. गेंडे वाला बर्गर. क्यों भाई, तुम किस चीज पे बैठते हो? When you try to troll your father. का RGB माउस, Corsair का RGB कीबोर्ड, बट कूलिंग बेटा पूंडी न कर मेरे पीसी की. भाई तुम किस चीज पे बैठते हो? लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, बस एक वीडियो मैंने देखी कल मुरु की, तो मुझे बहुत पसंद आई. और यार सेटअप मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आया मुझे देख के, बहुत अच्छा था. इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बात डिस्कस करनी थी, गेमिंग जो है ना उसके लिए ना आपको बहुत RGB कीबोर्ड या मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं या बहुत अच्छा माउस, ये चीज़ें नहीं चाहिए होती. गेमिंग एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है. उसके लिए कुछ चीज़ें होना, अच्छी कुर्सी होना, उससे अलग बात है कि ज़रा शशका बन जाता है, मज़ा आता है. लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. आप अपने मज़े के लिए आप ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. तो अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की कुर्सी है या अच्छी कुर्सी है, या आप घर के किसी भी सोफे पे बैठ के खेलते हो, या जो भी है, असल चीज़ है गेमिंग. खैर भाई एंड पे मैं यही कहूँगा कि मुरु भाई आपने तो आज उफ दिल लूट लिया आज.
मज़ा आ गया। तो यार ये मेरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है तो यार कमेंट्स में बता देना, मैं मज़ीद इस तरह की कुछ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। व्लॉगिंग तो मैं करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी मैं सोच रहा हूँ करने का। जैसे मैंने लास्ट टाइम रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो इस तरह ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब इस तरह मैं अपने चैनल के अंदर वर्सटैलिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मज़े की लगी होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और यार कमेंट जब आप लोग करते हो ना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की होती है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट। Sometimes I feel real low.